नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में अब ऑन द स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। डीजल अनुदान की राशि को लेकर कृषि मंत्री का बयान। के पाठक ने स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम को किया स्थायी। आज जारी होगी पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त, ये लोग रह सकते हैं वंचित। फर्स्ट ओडीआई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर के 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जो कि 21 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए SCER की ऑफिशियल वेबसाइट SECR.IndianRailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार अभ्यर्थी ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो और साथ ही उनके पास NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। बता दें कि इस भर्ती से कुल 1016 पदों को भरा जाएगा। महिला एवं किशोरियों पर हो रहे भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए करिए। IPIT बिहार के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं और किशोरियों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या हिंसा, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, मानसिक एवं शारीरिक हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न या भेदभाव जैसे मामले की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया गया है, जिस पर संपर्क कर बेझिझक इसकी शिकायत की जा सकती है। बता दें कि इस नंबर पर कॉल करना बिल्कुल निःशुल्क होगा, यानी कि अगर आप इस नंबर पर संपर्क करते हैं तो आपके फोन या मोबाइल के एक भी पैसे नहीं कटेंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सैयद सबा करीम के बारे में। सैयद सबा करीम उच्चारण एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर थे। करीम कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने टिस्को के कॉरपोरेट संचार प्रभाग में काम किया है। सैयद सबा करीम 13 साल की उम्र में U19 पटना टीम के कप्तान बने और समयाल सिन्हा ट्रॉफी बिहार अंतर जिला प्रतियोगिता में अपनी टीम को जीत दिलाई। उन दिनों स्कूल के लड़कों के लिए उन्हें 1981 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में बिहार टीम के कप्तान के रूप में चुना गया था। वहां से उन्हें मुंबई में भारत के U15 शिविर में चुना गया। उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 1990-91 रणजी ट्रॉफी में उड़ीसा के खिलाफ 234 रन था। उन्हें पहली बार 1996-97 में दक्षिण अफ्रीका में स्टैंडर्ड बैंक सीरीज में नयन मोंगिया के प्रतिस्थापन के रूप में भारत के लिए चुना गया था। 27 सितंबर 2012 को सबा करीम को पूर्वी क्षेत्र से राष्ट्रीय चयनकर्ता नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी 2018 को सबा करीम को BCCI द्वारा क्रिकेट संचालन के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। बिहार के इन 7 रेलवे स्टेशन परिसर में खुलेंगे रेल कोच रेस्टोरेंट। रेलवे की ओर से बहुत जल्दी बिहार वासियों को एक तोहफा दिया जाने वाला है, जिसके तहत राज्य के 7 रेलवे स्टेशन परिसर पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, जिसमें आरा, बीटा, झाझा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय और खगड़िया स्टेशन परिसर शामिल है। बता दें कि इनमें से आरा, बीटा और झाझा स्टेशन परिसर पर रेल कोच रेस्टोरेंट बनाने को लेकर टेंडर की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय और खगड़िया स्टेशन परिसर के लिए कंपनियों को टेंडर दिया जा चुका है। इस रेल कोच रेस्टोरेंट की खास बात यह होगी कि इसमें यात्रियों के साथ साथ आम लोग भी लजीज व्यंजनों का मजा उठा सकते हैं। बता दें कि इसमें बैठने वाले लोगों को महाराजा एक्सप्रेस का एहसास होगा। इसके अंदर का लुक बिल्कुल रॉयल होगा। इसमें फ्री वाईफाई की सुविधा, वीडियो के माध्यम से बिहार के दर्शनीय स्थलों की जानकारी और शास्त्रीय संगीत व उस इलाके की लोक संगीत का भी लाभ मिलेगा। लोग इसका फायदा दशहरा से उठा सकते हैं। के पाठक ने स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम को किया स्थायी। इन दिनों बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में अब के पाठक के द्वारा अपनी तरफ से किए गए कामों के बेहतर रिजल्ट आने के बाद स्कूल के मॉनिटरिंग सिस्टम को स्थायी करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके लिए के पाठक ने एक बार फिर से राज्य के सभी DM को पत्र लिखकर यह आदेश दे दिया है कि वे मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाए रखें। 1 जुलाई से सरकारी विद्यालयों में अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है, जिसके अच्छे
परिणाम आए हैं। इसके साथ ही इस निरीक्षण व्यवस्था से विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है। शाम को शिक्षा विभाग की कोई बैठक न बुलाए, क्योंकि उस दौरान शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी प्राध्यापकों से वीडियो कॉल से जुड़ते हैं। रोहतास में पर्यटन क्षेत्रों को किया जाएगा विकसित। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब पर्यटन विभाग की ओर से विभाग के सचिव अभय सिंह और उनकी पूरी टीम के द्वारा रोहतास के करीब आधा दर्जन से ज्यादा पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसका विकास का काम किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से रोड मैप भी तैयार किए गए हैं, जिसके तहत मांझर कुंड में कैफेटेरिया और कॉटेज का निर्माण किया जाएगा। धुआं कुंड पर झूला पुल का, दुर्गावती जलाशय और करमचट डैम में वोटिंग की व्यवस्था और कैफेटेरिया का, सेरगर किला के पास 5 एकड़ जमीन पर रॉक क्लाइंबिंग का, गो कॉटिंग और थीम पार्क, सीताकुंड में कैफेटेरिया, गैजेबो और झूला ब्रिज का, तुतला भवानी मंदिर के सीढ़ियों पर रिफट टाइल्स, डेडिकेटेड झूला पुल और रोहतासगढ़ के किले को डेवलप करने के लिए कैफेटेरिया, कॉटेज और रोपवे का निर्माण किया जाएगा। डीजल अनुदान की राशि को लेकर कृषि मंत्री का बयान। बिहार सरकार की ओर से किसानों को डीजल अनुदान की दी जाने वाली राशि को लेकर कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार के द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की बुआई नहीं हो पाई है, इसी को लेकर बिहार सरकार की ओर से डीजल अनुदान की घोषणा की गई है। ऐसे में इसको लेकर हम सभी जिलाधिकारी के साथ संपर्क में है। उन्होंने बताया कि अब तक डीजल अनुदान की राशि पाने के लिए राज्य के 13,000 से ज्यादा किसानों के द्वारा आवेदन किया जा चुका है। ऐसे में हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को डीजल अनुदान की राशि मिल जाए। इसके लिए हम सभी जिलों में जाकर वहां के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि किसानों को फीडर से कम 12 घंटा बिजली उपलब्ध करवाया जाए, इसके लिए भी प्रयास जारी है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में अब ऑन द स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। अगर आप भी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन के लिए ऑन द स्पॉट राउंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 31 जुलाई 2023 तक चलेगी। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetintbed-lnmu.in पर लॉगिन कर विषयवार रिक्त सीटों की संख्या देखकर संबंधित विषय में नामांकन लेने के लिए महाविद्यालय में पहुंचकर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाकर नामांकन ले सकते हैं। वहीं इस दौरान अगर किसी अभ्यर्थी को नामांकन लेने में कोई परेशानी होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 7314629842 एवं 943104164 और ईमेल आईडी helpdesk.cetintbed2023@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। शराब कांड में 32 मृतक के परिजनों को मिला मुआवजा। बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस संबंध में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक 32 लोगों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों से करीब 200 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिन्हें मुआवजा दिया जाएगा। वहीं वैसे लोग जिनके पास रिपोर्ट नहीं है वह भी दावा कर सकते हैं। अगर जांच रिपोर्ट में यह सही पाया जाता है तो उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे सेरगर किला के बारे में। दुनिया में ऐसे कई किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, जिसे सेरगर का किला कहा जाता है। कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किलों से बिल्कुल अलग है। यह किला इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से यह किला किसी को भी नहीं दिखता। किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि इसके एक तरफ दुर्गावती नदी है। इस किले में सैकड़ों सुरंगे और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सुरंगें कहाँ खुलती है इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चला। किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि आपको कुछ समय के लिए इतिहास में होने का अनुभव कराता है। कहते हैं कि इस किले को शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। इस किले को इस तरह बनवाया गया है कि हर दिशा में अगर दुश्मन कोसों दूर भी रहे तो उसे आते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहीं पर रहते थे। बताया जाता है कि यह किला सन 1540 से 1545 के बीच बना है। आज जारी होगा पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त, ये लोग रह सकते हैं वंचित।
अगर आप भी उनमें से हैं जो पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि आज आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज यानी कि 27 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की 14वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे कि लगभग 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। बता दें कि जब किस्त के पैसे आपके बैंक खाते में आएंगे तो आपको बैंक की तरफ से मैसेज प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी कारण से मैसेज नहीं आता है तो आप अपने किसी नजदीकी एटीएम मशीन में जाकर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। वहीं सबके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। दरअसल सरकार ने भूलेखों का सत्यापन कराने के लिए कहा है, अगर ये रिकॉर्ड गलत पाया जाता है तो लाभार्थियों को इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। वहीं जिन किसानों के द्वारा केवाईसी नहीं कराया गया होगा या किसी संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे हो या राज्य से अवकाश प्राप्त कर्मचारी या पेंशन पाने वाले भी इससे वंचित रह सकते हैं। प्रदेश के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व के जिलों में होगी बारिश। देश का मौसम इन दिनों पूरी तरह से बदला हुआ है। बदलते हालात के बीच में मॉनसून में लगातार कमी देखने को मिल रही है। प्रदेश में बारिश नहीं होने के कारण तेज गर्मी और उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इस तेज गर्मी और उमस के बीच में मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है, जिसमें विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। विभाग की माने तो प्रदेश के कई हिस्सों में तेज और मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश को लेकर जारी अपडेट में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 और 28 जुलाई को प्रदेश के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना से जुड़ी शिकायत करें इस नंबर पर। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आर्सेनिक फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों के कई वार्डों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। बता दें कि इसके अंतर्गत वर्तमान में प्रभावित क्षेत्रों के कुल 29,740 वार्डों में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जा रहा। ऐसे में वे लोग जो इस योजना के बारे में और भी विस्तृत तरीके से जानकारी हासिल करना चाहते हैं या इससे जुड़ी कोई शिकायत करना चाहते हैं तो वे टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर को वर्ष भर पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। साइलेंस 2 को लेकर मनोज बाजपेयी हुए उत्साहित। बहुत जल्द ही बिहार के लाल और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 आने वाली है। ऐसे में अगर आप भी इस फिल्म के इंतजार में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत जल्दी आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें मनोज बाजपेयी SP अविनाश की भूमिका में नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म को लेकर मनोज बाजपेयी काफी उत्साहित हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं दर्शकों के लिए साइलेंस का दूसरा पार्ट लाने के लिए काफी रोमांचित और उत्साहित हूं। इस भूमिका के लिए मुझे जो प्यार और सराहना मिली वह वास्तव में जबरदस्त है और यह मुझे इस नए प्रोजेक्ट में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि उन्हें अलग अलग किरदार को ही निभाना पसंद है। मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि दर्शक इस फिल्म का आनंद लेंगे। विभाग ने शिक्षक संगठनों से मांगी संबंधित जानकारी। इन दिनों शिक्षा विभाग में कई प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिख राज्य के शिक्षक संगठनों से संबंधित जानकारी मांगी गई है। बता दें कि विभाग की ओर से जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि पंजीकृत शिक्षक संगठनों का ब्यौरा भेजे, जिसमें शिक्षक संगठनों के नाम, उनके पदधारक कौन है, पंजीयन संख्या समेत सभी जानकारी शामिल हो। हालांकि इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि विभाग के पास शिक्षक संगठनों की सूची नहीं है, इसलिए विभाग की ओर से एक ऐसी सूची तैयार की जा रही है जिसको लेकर जिलों से जानकारी मांगी गई है। अवैध शराब को लेकर पटना मध्य निषेध टीम की बड़ी कार्रवाई। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से कई तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित काजी इंडा के पास का है, जहाँ गुप्त सूचना के आधार पर पटना मध्य निषेध विभाग के द्वारा मनियारी थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 535 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है। इसके साथ ही ट्रक चालक और उपचालक को भी पुलिस के द्वारा अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। फिलहाल चालक और उपचालक से विभाग और पुलिस के टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सुकन्या खाता धारकों का अकाउंट हो सकता है फ्रीज।
अगर आप भी सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े हैं तो यह खबर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब सुकन्या समृद्धि जैसे डाकघर योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपके पास खाता खोलते समय आधार कार्ड नहीं होता है तो आपको अपने आधार संख्या के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण देना होगा और फिर खाता खोलने के 6 महीने के भीतर आपको अपना आधार नंबर की जानकारी भी देनी होगी। वहीं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिससे कि आपको कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। विजय सिंह के परिजनों से मिले एक्टर पवन सिंह। बीते 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा किए गए विधानसभा मार्च के दौरान मौत के शिकार हुए बीजेपी नेता दिवंगत विजय सिंह के परिवार से मिलने के लिए बीते दिन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह जहानाबाद के कल्पा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विजय सिंह के परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। वहीं इस दौरान जब उनसे मीडिया के द्वारा चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वह इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा कुछ भी बोलने का समय नहीं है, ऐसे समय में हम लोग विजय सिंह के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बातें बाद में होगी। मालूम हो कि बीजेपी की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा था कि विजय सिंह की मौत विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि उनकी मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। कटिहार गोलीकांड पर भाजपा का सीएम नीतीश पर हमला। बिहार के कटिहार में बिजली की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा किए गए फायरिंग को लेकर बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि बिहार में लोगों को 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की पुलिस के द्वारा आज बिजली की मांग करने पर गोलियां चलाई गई, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा भी इस घटना को दुखद बताया गया है। उन्होंने कहा कि लोग समस्या उठाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जा रही है। लोगों के मन में बिजली की अनियमित आपूर्ति और बिल संकट को लेकर आक्रोश है। स्मार्ट मीटर से भी जुड़ी कई प्रकार की शिकायतें आती है। ऐसे में अगर बिजली की कमी झेल रहे लोग आवाज उठाते हैं तो उन पर गोलियां और लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी निकम्मी सरकार को सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। हम राज्यपाल से मिलेंगे और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर आरजेडी और बीजेपी का बयान। मंत्री आलोक मेहता के फैसले को सीएम नीतीश के द्वारा रद्द करने पर राजनीतिक गलियारे की सरगर्मी बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां आरजेडी की ओर से कृषि मंत्री कुमार सरजीत के द्वारा कहा गया कि यह सीएम का अधिकार है, अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने स्तर से देखते हैं, इसमें बहुत अधिक कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से राजस्व व भूमि सुधार विभाग के पूर्व मंत्री राम सूरत राय के द्वारा कहा गया कि ये बेमेल गठबंधन है, इनका निकाह कभी भी टूट सकता है और तलाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, जब जब मुख्यमंत्री को भागने का मन होता है तो वो ऐसा ही करते हैं, वो तो बस इंतजार में है कि कब तेजस्वी जेल जाएं और वो वहां से भागे। फर्स्ट ओडीआई में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। आज से यानी कि 27 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज से शुरू होने वाला है, जिसका पहला मैच बारबाडोस में खेला जाएगा। पर ऐसे में अगर आज होने वाले इस मैच के प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने कौन उतरेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। सुमन गिल का नाम रेस में सबसे आगे है। हालांकि टीम मैनेजमेंट के पास ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का भी विकल्प होगा। इसके साथ ही मैनेजमेंट के पास संजू सैमसन को लेकर भी फैसला लेना होगा। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा के पास उमरान मलिक, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और मुकेश कुमार मौजूद हैं। वहीं स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी के साथ अक्षर पटेल का भी विकल्प होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा 1889 में ब्रिटिश इंडिया कमेटी को लंदन में दादा भाई नरोजी विलियम वेडरबर्न, डब्ल्यू एस कैन और विलियम डिगबी के नेतृत्व में खोला गया। बाल गंगाधर तिलक 1897 में पहली बार गिरफ्तार किए गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगभग 11 साल में पहली अमेरिकी यात्रा 1982 में हुई। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त का 1913 में जन्म हुआ था। भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का 1940 में जन्म हुआ था। भारत विद्या से संबंधित विषयों के प्रख्यात विद्वान राजेंद्र लाल मित्रा का निधन 1891 में हुआ। 9वीं लोकसभा के सदस्य कल्याण सिंह कालवी का निधन 1933 में हुआ। हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार और विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी पीताम्बर दत्त
बर्थवाल का निधन 1944 में हुआ। आधुनिक केरल प्रदेश के प्रमुख नेता पत्तम थानु पिल्लई का निधन 1970 में हुआ। एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सालिम अली का निधन 1987 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता फिल्म शोले के गब्बर अमजद खान का निधन 1992 में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 2015 में हुआ था। भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज का निधन 2016 में हुआ था। आज के दिन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक अनुमोदन पत्र में कानूनी बीमा शुल्क के रूप में 36,500 रुपए के भुगतान पर पीएम मुद्रा योजना के तहत 3,00,000 रुपए का ऋण देने का दावा किया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह पत्र जारी नहीं किया है। व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने के साथ ही बना सकेंगे अब नया ग्रुप। व्हाट्सएप के हर अपडेट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो की एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के साथ व्हाट्सएप यूजर अब मैसेज फॉरवर्ड करने के साथ एक नए ग्रुप को क्रिएट करने का ऑप्शन भी देख सकेंगे। मालूम हो कि अभी तक व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने पर माई स्टेटस, कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स का ऑप्शन ही नजर आता है। ऐसे में एक नए ग्रुप को क्रिएट करने जैसे ऑप्शन यूजर के लिए नया और कई मायनों में काम का साबित हो सकता है। इस नए फीचर के साथ यूजर को किसी काम के मैसेज को उन लोगों तक फॉरवर्ड करने में आसानी होगी जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं होते। यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक मैसेज फॉरवर्ड करने के साथ ही एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकेगा। फिलहाल इस फीचर का इस्तेमाल केवल व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स ही कर सकते हैं। बीपीएससी सहायक भर्ती 2023 मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आज से। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने बीपीएससी सहायक भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और अब इसकी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के इंतजार में बैठे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीपीएससी सहायक भर्ती 2023 मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की शुरुआत आज से यानी कि 27 जुलाई से हो रही है, जो कि 16 अगस्त 2023 तक चलने वाली है। ऐसे में इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं इस परीक्षा का कार्यक्रम 31 अगस्त 2023 को निर्धारित किया गया है। बता दें कि इस परीक्षा के तहत कुल 44 पदों को भरे जाएंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले कौन 10वें खिलाड़ी बन चुके हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी अजिंक्य रहाणे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विराट कोहली। अगला सवाल, LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सतपाल बानू, ऑप्शन बी श्री एम जगन्नाथ, ऑप्शन सी श्रीमती आईपे मिनी, ऑप्शन डी श्री सुचिंद्र मिश्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सतपाल बानू है। अगला सवाल, निर्मला सीतारमण द्वारा अभी हाल में ही कहां GST भवन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अगरतला। अगला सवाल, खेल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना हुई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। अगला सवाल, राजकुमार शुक्ल बिहार में कहां के रहने वाले थे? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी सारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपारण।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमोद राम, शिवजी कुमार, सदुल्लाह पलवी, विराट, रवि कुमार राम, मोटू रंगीला, नोगोलू कुमार, विनय राज, रविशंकर, पंकज कुमार दास, जितेंद्र ठाकुर, आशीष कुमार, मुकेश, राजकिशोर महतो, देव कुमार, राजीव कुमार, उदय कुमार पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुरू होने वाले वनडे सीरीज में किसका पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।